अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे यह नहीं करने देता। अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें नहीं जाने देता। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूज करते हैं, अगर मेरा बस चले या अगर मेरा बस चलता। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ आई हैव माई वे, अगर पास्ट में हो जाता है तो इफ़ आई हैड हो जाएगा हैव की जगह, और उसके बाद माई वे रहेगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस बोलना है वो आप बोल सकते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल की सहायता समझते हैं। जैसे अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ। तो सबसे पहले ही आपको बोलना है इफ़ आई हैव माई वे, इफ़ आई हैव माई वे। उसके बाद सो का यूज़ करना है, उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको बोलना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इफ़ आई हैव माई वे सो आई विल प्रोवाइड हर द प्लीजर ऑफ वर्ड। इस प्रकार से एक और एग्जांपल, जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे यह नहीं करने देता। ये पास्ट का है तो यहाँ पर हैव की जगह हैड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद सो का यूज़ करना है, और फिर सेंटेंस आई वुड नॉट लेट हिम डू इट। इस प्रकार से एक और एग्जांपल, जैसे अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें नहीं जाने देता। तो इसे कहेंगे इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड नॉट लेट यू गो, इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड नॉट लेट यू गो। तो आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना आ गया होगा, आप इजली जो है इस प्रकार के सेंटेंस बोल पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।